आरकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें। प्रदेश की बड़ी खबरों में से आज 3 विकास से और 2 राजनीति से जुड़ी हुई है। विकास की बात करें तो जानकारी के अनुसार आगामी 3 महीने में मुंबई से ठाणे पहुंचने वाले ट्रैफिक मुक्त रास्ते का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा। वहीं मुंबई में ऑपरेशन खटारा अभियान जोरों पर है। इसके तहत सड़कों के किनारे लावारिस हालत में खड़ी की गई गाड़ियों को हटाया जाएगा। उधर अगले 2 साल में नरीमन पॉइंट से कोलाबा कफ परेड तक का सफर बेहद आसान हो जाएगा। दक्षिण मुंबई के इस इलाके में 1.6 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। अब बात राजनीति की। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच मतभेदों के मद्देनजर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य के 2 सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन लोगों का एक दूसरे पर विश्वास न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि विधानमंडल में 11 मार्च को बजट पेश करने से पहले विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। साउथ मुंबई को सीधे ठाणे से कनेक्ट करने की योजना पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। आगामी 3 महीने में मुंबई से ठाणे पहुंचने वाले ट्रैफिक मुक्त रास्ते का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा। ब्लूप्रिंट तैयार होने के 3 महीने के भीतर प्री टेंडर प्रोसेस पूरा करने की योजना है। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को ध्यान में रखते हुए एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे के विस्तार की योजना बनाई गई है। सरकार ने घाटकोपर में छेड़ा नगर जंक्शन से ईस्टर्न फ्रीवे को सीधे ठाणे तक विस्तारित करने की योजना बनाई है। फ्रीवे सीएसटी के करीब से शुरू होकर चेंबूर के इंडियन ऑयल के करीब खत्म होता है। फ्रीवे के ठाणे तक विस्तारित किए जाने के बाद ट्रैफिक जाम की समस्या से जहां लोगों को निजात मिलेगी तो वही कम समय में ही ठाणे तक पहुंच सकेंगे। 16.8 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड को ठाणे तक विस्तारित करने के लिए सर्वे करने की प्रक्रिया अप्रैल से आरंभ होगी। जुलाई के माध्यम तक सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। अक्टूबर तक प्री टेंडर प्रोसेस की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। फिजिबिलिटी स्टडी के तहत एलिवेटेड रोड का रूट क्या होगा, कितना खर्च आएगा, सड़क कितने लेन की होनी चाहिए, ट्रैफिक कैसा होगा समेत अन्य विषय को भी शामिल किया जाएगा। फ्रीवे का विस्तार होने से ट्रैफिक जाम की समस्या से वाहन चालकों को निजात मिल सकेगी और ठाणे तक आसानी से पहुंच सकेंगे। मुंबई में ऑपरेशन खटारा अभियान जोरों पर है। इसके तहत सड़कों के किनारे लावारिस हालत में खड़ी की गई गाड़ियों को हटाया जाएगा। साथ ही अवैध रूप से वाहन पार्क करने पर वाहन मालिकों से जुर्माना वसूल भी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 413 लावारिस वाहनों को अब तक हटाया है, जबकि गलत दिशा में गाड़ी चलाने के मामले में 108 मामले दर्ज किए गए हैं। इस पहल में सहयोग करने के लिए पुलिस आयुक्त ने मुंबई करों का धन्यवाद किया है। पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने ट्वीट में कहा है कि उम्मीद है कि मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग इसका संज्ञान लेंगे। गौरतलब है कि रविवार से ही मुंबई पुलिस आयुक्त के आदेश पर मुंबई में टोइंग बंद कर क्लैंप व्यवस्था लागू की गई है और उल्टी दिशा में गाड़ियां चलाने पर जुर्माने की बजाय केस दर्ज किए जा रहे हैं। आयुक्त ने मुंबई करों से जहां यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है, वहीं प्रशासन को भी इन नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। आयुक्त ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से संवाद कर उनसे मुंबई की कानून व्यवस्था के बाबत बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने लोगों से मिली सलाह को अमल में लाने का भरोसा भी दिलाया था। उन्होंने लोगों की शिकायतें भी सुनी, जिसमें अवैध रूप से पार्किंग, जमीन अतिक्रमण, बुजुर्गों की सुरक्षा और खटारा वाहनों की वजह से सड़कों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम समेत तमाम मुद्दे शामिल थे। अगले 2 साल में नरीमन पॉइंट से कोलाबा कफ परेड तक का सफर बेहद आसान हो जाएगा। दक्षिण मुंबई के इस इलाके में 1.6 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को साल 2024 तक पूरा करने के लिए मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ने टेंडर जारी कर दिया है। आगामी 2 वर्ष में ब्रिज का सिविल वर्क पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि नरीमन पॉइंट से कफ परेड की दूरी कम करने के लिए समुद्र पर 1.6 किलोमीटर लंबा ब्रिज निर्माण किया जाएगा। समुद्र से होकर गुजरने वाले इस 1.6 किलोमीटर लंबे ब्रिज पर कुल 4 लेन होंगे। इसमें 2 लेन नरीमन पॉइंट और 2 लेन कोलाबा की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए बनाए जाएंगे। ब्रिज के सिविल वर्क पर करीब 244 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस ब्रिज के बन जाने से साउथ मुंबई में ट्रैफिक से राहत मिलेगी। बांद्रा वर्ली सीलिंग से आने वाले वाहन वर्ली के पास बन रहे नए ब्रिज से केवल चंद मिनट में ही कोलाबा तक पहुंच सकेंगे। फिलहाल ये दूरी तय करने में करीब 20 से 30 मिनट का समय लगता है। मुंबई के समुद्र पर बनने वाले तीसरे ब्रिज का निर्माण कार्य मई से आरंभ होगा। MMRDA ने ठेकेदार कंपनी की चयन प्रक्रिया आरंभ कर दी है। आगामी 7 अप्रैल तक ठेकेदार का चयन कर लिया जाएगा। ब्रिज निर्माण के साथ ही ठेकेदार कंपनी को 10 वर्ष तक ब्रिज की मरम्मत का भी जिम्मा संभालना होगा।
विभिन्न मुद्दों पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच मतभेदों के मद्देनजर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य के दो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन लोगों को एक दूसरे पर विश्वास न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति MS करणी की खंडपीठ ने कहा कि यदि राज्यपाल व मुख्यमंत्री साथ में बैठकर अपने मतभेद को सुलझा ले तो ये उचित होगा। खंडपीठ ने ये बात विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से जुड़े नियमों में किए गए संशोधन को चुनौती देने वाले दो जनहित याचिकाओं को खारिज करते हुए कही है। इसमें से एक याचिका भारतीय जनता पार्टी के विधायक गिरीश महाजन और दूसरी सामाजिक कार्यकर्ता जनक व्यास ने दायर की थी। याचिका में विधानसभा अध्यक्ष चुनाव से जुड़े नियमों को असंवैधानिक व अवैध घोषित करने की मांग की गई थी। विधायक महाजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने पक्ष रखा, जबकि व्यास की ओर से अधिवक्ता सुभाष झा ने पैरवी की। खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए विधायक महाजन की ओर से अदालत में जमा किए गए 10 लाख रुपए व सामाजिक कार्यकर्ता व्यास की ओर से जमा किए गए 2 लाख रुपए जब्त कर लिए गए और कहा कि ये नियमों में किया गया संशोधन विधानसभा के सदस्यों को विधानसभा के अध्यक्ष को सुझाव देने से नहीं रोकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि विधानमंडल में 11 मार्च को बजट पेश करने से पहले विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। हमें विश्वास है कि बजट से पहले अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और राज्यपाल उसी के अनुसार फैसला लेंगे। इसके पहले आघाड़ी सरकार 9 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करना चाहती थी, लेकिन राज्यपाल कोश्यारी ने इसके लिए अनुमति नहीं दी। पिछले साल 4 फरवरी को पटोले के इस्तीफे के बाद से विधानसभा अध्यक्ष पद रिक्त है। 3 दलों वाली आघाड़ी सरकार में विधानसभा अध्यक्ष पद कांग्रेस कोटे में है। पटोले ने कहा कि भाजपा जानबूझकर विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया में बाधा डालने का काम कर रही है। उसने कुछ कानूनों का हवाला देते हुए अदालत में याचिका दायर की, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए 12 लाख रुपए जब्त करते हुए कड़ी फटकार लगाई है। पटोले ने कहा कि अब भाजपा को वस्तुस्थिति समझनी चाहिए। भाजपा को जानबूझकर अदालत जाने और जो अच्छे काम शुरू है उन्हें अदालत में चुनौती देने का काम बंद करना चाहिए। राज्यपाल से अनुरोध है कि वे विधानसभा अध्यक्ष चुनाव और विधान परिषद के 12 विधायकों पर जल्द से जल्द फैसला लें। इसी क्रम में कल विधानसभा में पटोले ने कहा कि किन नियमों के तहत 1 साल के निलंबित भाजपा के 12 विधायकों को सदन में बैठने की अनुमति प्रदान की गई है। गोवा में कांग्रेस 2017 में हुई गलती को दोहराना नहीं चाहती है, इसलिए पी चिदम्बरम और DK शिवकुमार समेत कई वरिष्ठ नेता गोवा में डेरा डाले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाब फतह कर एक और सूबे से कांग्रेस को साफ कर दिया है। तो 5 राज्यों में चुनाव परिणामों की प्रक्रिया के बीच सेंसेक्स भी गुलजार नजर आया और दोनों इंडेक्स जबरदस्त तेजी के साथ हरे निशान पर खुले। इसी बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12वीं की टर्म 1 परीक्षाओं के नतीजे भी अब कभी भी घोषित किए जा सकते हैं। उधर पुलवामा में नैना बटपोरा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया है। इस दौरान एक आतंकी मारा गया। देश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। गोवा में कांग्रेस 2017 में हुई गलती को दोहराना नहीं चाहती है, इसलिए पी चिदम्बरम और DK शिवकुमार समेत कई वरिष्ठ नेता गोवा में डेरा डाले हैं। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को रिसोर्ट और एक होटल में शिफ्ट कर दिया है। कांग्रेस का मानना है कि अगर गठबंधन की जरूरत पड़ी तो दूसरे दलों का भी साथ लिया जाएगा। इसलिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने गोवा विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों और सहयोगी GFP के उम्मीदवारों के साथ बुधवार देर रात तक एक बैठक की। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष DK शिवकुमार भी इसमें शामिल हुए। बैठक के दौरान चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद गठबंधन के नेता का चुनाव करने और राज्य के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करने का निर्णय लिया गया। ये निर्णय 2017 में हुई चूक को देखते हुए लिया गया है। 2017 में कांग्रेस ने दिग्विजय को गोवा में चुनाव प्रभारी बनाया था। रिजल्ट आने पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन वो सरकार बनाने से चूक गई। BJP ने कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया और कांग्रेस विधायकों को तोड़ना शुरू किया। नतीजा रहा कि गोवा में सबसे ज्यादा सीटें पाकर भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। आपने कहा है कि किसी भी हालत में वो BJP का समर्थन नहीं करेगी। माना जा रहा है कि MGP भी कांग्रेस का समर्थन करेगी, क्योंकि MGP को BJP ने कई बार धोखा दिया है। यहां तक कि उनके कई नेताओं को कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब फतह कर एक और सूबे से कांग्रेस को साफ कर दिया है। देश के अलग अलग भागों में कांग्रेस की स्थिति को देखें तो सब कुछ शीशे की तरह साफ नजर आता है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के आखिरी CM राजशेखर रेड्डी के बेटे जगमोहन ने पहले अपने पिता की पार्टी और फिर चंद्रबाबू नायडू को धूल चटाकर आंध्र प्रदेश में अपनी जमीन तैयार की। वहीं ममता बनर्जी का कांग्रेस में मोह भंग हुआ तो पश्चिम बंगाल से वो साफ हो गई। ओडिशा में नवीन पटनायक का एक छत्र राज चल रहा है।
अब पंजाब भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथ से फिसल गया है। इकराम इबोबी सिंह के गद्दी से हटने के बाद मणिपुर में भी कांग्रेस का यही हाल हुआ है। विधानसभा चुनाव परिणामों से साफ है कि भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत अभियान में नया साथी जुड़ गया है। बिना किसी स्थायी अध्यक्ष के चल रही ग्रैंड ओल्ड पार्टी से असंतुष्ट 23 वरिष्ठ नेताओं का गुट अब परिवार पर प्रहार तेज कर सकता है। सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद G23 की क्षणिक शांति ने पांचों राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के विघटन को ही सतह पर लाने का काम किया है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि इस बीच क्या कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सोनिया गांधी अपने पास रखेंगी या किसी और को पास करेंगी। अब गांधी परिवार में प्रियंका गांधी ही ऐसी नेता है जिन पर G23 सहमत हो सकता है। राहुल के फैसले लेने की अक्षमताओं पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। पांच राज्यों में चुनाव परिणामों की प्रक्रिया के बीच सेंसेक्स भी गुलजार नजर आया और दोनों इंडेक्स जबरदस्त तेजी के साथ हरे निशान पर खुले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1200 अंक उछलकर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी सूचकांक ने भी 300 अंकों की उछाल के साथ कारोबार शुरू किया। बीते कारोबारी दिन बुधवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ था। BSE का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 1233 अंक की तेजी लेते हुए 54,647 के स्तर पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 332 अंकों की उछाल भरकर 16,325 के स्तर पर बंद हुआ था। आज ऑटो, बैंक, रियल्टी, PSU बैंक इंडेक्स के साथ सभी सेक्टोरल इंडेक्स 2-3% की तेजी के साथ हरे निशान में कारोबार करते रहे। वहीं BSE मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1-1% की तेजी आई है। सेंसेक्स के सभी 30 शेयर बढ़त में कारोबार करते रहे। सबसे ज्यादा तेजी बैंकिंग शेयरों में देखने को मिली। इनमें एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एक्सिस बैंक प्रमुख है और इन सभी में 4% का उछाल आया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट का असर भी निवेशकों की धारणा पर पड़ा है। कीमतों पर नियंत्रण के लिए UAE के तेल उत्पादन बढ़ाने के पक्ष में होने की खबरों के बीच तेल की कीमतों में 17% तक की गिरावट देखने को मिली है और बेंट क्रूड $113 प्रति बैरल के स्तर से नीचे आ गया है। CBSE 12वीं टर्म एक रिजल्ट 2022 की घोषणा की राह देख रहे उम्मीदवारों का इंतजार कभी भी समाप्त हो सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12 की टर्म एक परीक्षाओं के नतीजे भी अब कभी भी घोषित किए जा सकते हैं। हालांकि CBSE द्वारा टर्म एक रिजल्ट के अंतर्गत उन्हें पास या फेल घोषित नहीं किया जाएगा और अभी सिर्फ पहले चरण की परीक्षाओं के विषयवार अंक जारी किए जाएंगे। वही पास या फेल की गणना स्टूडेंट्स के टर्म दो एग्जाम के मार्क्स के कम्बाइंड स्कोर से निर्धारित होगा। CBSE द्वारा कक्षा 12 की परीक्षाओं के परिणाम शुक्रवार 11 मार्च 2022 तक घोषित किए जाने हैं। बोर्ड से वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त अपडेट के आधार पर प्रकाशित विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनियर सेकेंडरी टर्म एक एग्जाम रिजल्ट को पहले जारी किया जाएगा और स्टूडेंट्स के मार्क्स इसी सप्ताह के अंत तक जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि कक्षा 10 के परिणामों की घोषणा बाद में की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध देश भर के स्कूलों में वर्ष 2021-22 के दौरान कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को पहले टर्म में अपने विषयवार मार्क्स जानने के लिए CBSE के रिजल्ट पोर्टल cbseresults.nic.in पर एक्टिव किए जाने वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नए पेज पर छात्रों को अपने रोल नंबर आदि भरकर सबमिट करने होंगे। इसके बाद छात्र अपना परिणाम देख सकेंगे। वैकल्पिक तौर पर स्टूडेंट्स डिजीलॉकर पोर्टल digilocket.go.in पर या इसके मोबाइल ऐप पर लॉगिन करके भी अपना मार्क्स जान सकेंगे। पुलवामा के नैना बटपोरा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया है। इस दौरान एक आतंकी मारा गया। अभी भी मुठभेड़ जारी है। मौके पर अन्य आतंकियों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा जा रहा है। पूरे इलाके में आवाजाही बंद कर दी गई है। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दरअसल पुलिस को नैना बटपोरा में कुछ संदिग्धों के एकत्र होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सेना और CRPF की संयुक्त टीम ने मौके पर अभियान शुरू किया। सेना की 55 RR, SOG व CRPF की 182 बटालियन के जवानों ने इलाकों की घेराबंदी करने के बाद जैसे ही आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया, वही एक ठिकाने में छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को अपने नजदीक आते देख उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई से पहले सुरक्षा बलों ने आतंकियों को हथियार डालने के लिए कहा, परंतु उन्होंने जवाब में फायरिंग जारी रखी। इन आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज करने से पहले सुरक्षा बलों ने उन्हें आत्मसमर्पण करने का कई बार मौका दिया। उन्हें मनाने के लिए गाँव के मौलवी व बड़े बुजुर्गों की भी मदद ली गई।
परंतु आतंकियों ने हथियार डालने से मना कर दिया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। अभी भी मस्जिद में एक आतंकी छिपा हुआ है। करीब 2 महीने पहले अमेरिका में जिस व्यक्ति को सुअर का दिल प्रत्यारोपित किया गया था उसकी मौत हो गई है। वहीं दक्षिण चीन सागर पर कब्जे के बाद हिंद महासागर पर नजरें गड़ाए बैठे चीनी ड्रैगन को भारत ने चौतरफा घेरने की तैयारी तेज कर दी है। तो आतंकवादी संगठन ISIS ने यूक्रेन पर रूसी हमले की प्रशंसा की है और इसे पश्चिम के लिए अल्लाह की सजा बताया है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने फिर चेताया है कि कोरोना कहीं नहीं गया है। ये सोचना कि संकट बीत गया बहुत बड़ी गलती होगी। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रशासन ने फिर आगाह किया है कि रूस यूक्रेन में रासायनिक या जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। दुनिया भर में जारी उथल पुथल के बीच इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। करीब 2 महीने पहले एक अभूतपूर्व प्रयोग के तहत अमेरिका में जिस व्यक्ति को सुअर का दिल प्रत्यारोपित किया गया था उसकी मौत हो गई है। सर्जरी करने वाले मेरीलैंड अस्पताल ने यह घोषणा की। 57 वर्ष के डेविड बेनेट के डॉक्टरों ने उसकी मौत की वजह तो नहीं बताई है, लेकिन कहा कि कई दिन पहले उसकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई थी। वैसे उनके बेटे ने इस प्रयोग के लिए डॉक्टरों की सराहना की थी। पिछले महीने अस्पताल ने उनका एक वीडियो जारी किया था जिसमें वह अपने फिजिकल थेरेपिस्ट के साथ काम करते हुए अस्पताल के बिस्तर से फुटबॉल का मैच देख रहे थे। डेविड दुनिया के पहले मरीज थे जिनके सीने में सुअर का दिल धड़कने लगा था। ऑपरेशन सफल रहा था और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। वे मॉडिफाइड जीन वाले सुअर के दिल के साथ सबसे ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने वाले मरीज बन चुके थे। इस तरह के ट्रांसप्लांट ऑपरेशन अक्सर कामयाब नहीं रहते क्योंकि इंसानी शरीर पशुओं के अंगों को स्वीकार नहीं कर पाते, पर सुअर को एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर चुना गया क्योंकि उनके हृदय का आकार भी लगभग इंसानी दिल की ही तरह होता है। इससे पहले कैलिफोर्निया में एक बच्ची को जिंदा रखने के लिए डॉक्टरों ने बबून का दिल लगाया था। ये बच्ची 21 दिनों तक जिंदा रह पाई थी। दक्षिण चीन सागर पर कब्जे के बाद हिंद महासागर पर नजरें गड़ाए बैठे चीनी ड्रैगन को भारत ने चौतरफा घेरने की तैयारी तेज कर दी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हिंद महासागर में भारत के पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है ताकि समुद्री आतंकवाद समेत साझा सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया जा सके। डोभाल ने अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर के कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में अब मॉरिशस को भी शामिल किया है। माना जा रहा है कि भारत इसके जरिए हिंद महासागर में एक नया क्वाड बना रहा है। मालदीव के उच्चायोग ने एक ट्वीट करके बताया कि डोभाल का कदम सही है। समय है कि हिंद महासागर के जरिए जुड़े देशों के बीच सहयोग को बढ़ाया जाए जिससे सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया जा सके। मालदीव में हो रहे 2 दिन के इस सम्मेलन में भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश और सेशेल्स के NSA और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने मालदीव की ओर से सामना किए जा रहे क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं की ओर से ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि मालदीव मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, समुद्री लुटेरे, मछुआरे और हिंसक अतिवाद का सामना कर रहा है। इसे खत्म करना होगा। गत वर्ष नवंबर में भी भारत, मालदीव और श्रीलंका ने हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय समुद्री अभियान संचालित किया था जिसका उद्देश्य इसे सुरक्षित रखना था। आतंकवादी संगठन ISIS ने यूक्रेन पर रूसी हमले की प्रशंसा की है और इसे पश्चिम के लिए अल्लाह की सजा बताया है। हालांकि संगठन ने किसी एक पक्ष को चुनने से इनकार किया है। ISIS ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले समय में और भी बड़े युद्ध हो सकते हैं। जिहादी कामना कर रहे हैं कि पश्चिमी दुनिया में होने वाले ये संघर्ष इस्लाम के दुश्मनों को गहरी चोट पहुंचाए। आतंकी संगठन ने यह बयान अपने साप्ताहिक अखबार अल नाबा में प्रकाशित किया है जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। जारी बयान में कहा गया है कि आज रूस और यूक्रेन के बीच जो खूनी संघर्ष हो रहा है उनके लिए अल्लाह की सजा का एक उदाहरण है, जैसा कि कुरान में बताया गया है। रूस और यूक्रेन की जंग चाहे लंबी हो या छोटी, क्रूसेडर देशों के बीच कई युद्धों की सिर्फ एक शुरुआत है। मौत और तबाही की जो तस्वीरें हम आज देख रहे हैं वह सिर्फ बड़े युद्धों का एक शुरुआती दृश्य है। अल्लाह उनकी जंग को जारी रखे और उनके दिलों को तोड़ दे। आतंकी संगठन ने अनुमान लगाया है कि जंग के परिणाम बेहद भयावह होंगे। यूक्रेन युद्ध में ISIS का किसी एक पक्ष को न चुनना बिल्कुल भी हैरान करने वाला नहीं है। यूक्रेन उन देशों में शामिल है जो ISIS को हराने के लिए वैश्विक गठबंधन का हिस्सा बना था और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की एक यहूदी है।
विश्व में 60 लाख से अधिक जिंदगी ले चुकी कोविड 19 महामारी के प्रसार के 2 वर्ष पूरे हो जाने के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने फिर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यह सोचना कि संकट बीत गया बहुत बड़ी गलती होगी। 2 साल पहले विश्व भर में लोगों का जीवन वायरस के कारण बदल कोविड दुनिया के कोने कोने में तेजी से फैल गया। अर्थव्यवस्था रुक गई, परिवहन नेटवर्क और आपूर्ति श्रृंखला ठप हो गई, विद्यालय बंद हो गए, लोग अपने प्रियजनों से दूर हो गए और लाखों लोग गरीबी की विभीषिका में फंस गए। महामारी के फैलने के बाद से पिछले 2 वर्ष में कोविड 19 के 44.6 करोड़ से अधिक मामले सामने आए हैं और 60 लाख से अधिक लोगों ने जान गंवाई है और असंख्य लोग बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं। हमारी दुनिया नैतिक रूप से कटघरे में खड़ी हो गई है। हर देश में कोविड 19 के और स्वरूपों और लॉकडाउन और पीड़ा एवं बलिदान के लिए मुफीद स्थिति भी है। हमारी दुनिया कोविड 19 से 2 चरणों में उभरने का खतरा नहीं ले सकती। हालांकि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कोविड 19 के टीकों की अनुपयुक्त असमान वितरण को लेकर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि विनिर्माता प्रतिमाह 1.5 अरब खुराक का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन 3 अरब लोग अब भी पहली खुराक की बाट जो रहे हैं। यह विफलता गरीब देशों के लोगों की तुलना में अमीर देशों के लोगों को प्राथमिकता देने के नीतिगत एवं बजटीय फैसले का सीधा परिणाम है। यूक्रेन में बम बरसाए जा रहे हैं तो रूस और अमेरिका में आरोप प्रत्यारोप अपने चरम पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासक ने फिर आगाह किया है कि रूस यूक्रेन में रासायनिक या जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। वही इससे पहले रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन में अवैध रासायनिक हथियार बनाए जा रहे हैं, जिसे व्हाइट हाउस ने खारिज किया था। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने इस सप्ताह यूक्रेन पर अपने क्षेत्र में अमेरिका के समर्थन से रासायनिक एवं जैविक हथियार प्रयोगशालाएं चलाने का आरोप लगाया था। हालांकि अपने आरोप के पक्ष में उन्होंने कोई सबूत मुहैया नहीं कराए थे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन सैकी के रूस के इन आरोपों को बेतुका बताया और कहा कि रूस यूक्रेन के खिलाफ सामूहिक विनाश के इस प्रकार के हथियार संभवतः स्वयं इस्तेमाल करने का आधार बनाने के लिए यह आरोप लगा रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर चेतावनी दी कि अगर नाटो और पश्चिमी देशों ने 3रे विश्व युद्ध का इंतजार किया तो यूक्रेन में लाखों की तादाद में लोग मारे जाएंगे। इसलिए नाटो देश रूस की बमबारी को रोकने के लिए तत्काल यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन लागू करे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह भी चेतावनी दी कि रूस चाहता है कि यूक्रेन की जनता खुद को एक पशु जैसा महसूस करे। अफसोस, दुनिया ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, मुझे माफ करे, लेकिन यह सत्य है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।